उठने की कोशिश करें, जाल उठना था, देखो देखते हैं कि उठ पाएगी कि नहीं। भाई जियान कुक की बड़ी वो करता है, सारे खिलौने उठा के ले आएगा अपने। दीदी से मिलके कैसा लगा भाई? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? हम तो बहुत अच्छे हैं। और अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, नहीं 1 बज गया शायद। तो अभी आराम कर रहे हैं सब लोग। मम्मी पापा बाहर हैं, वो अभी आशीष से मिलकर आए थे, तो रेस्ट कर रहे हैं वो भी, और मैं भी रेस्ट ही कर रही थी। तो जाल के साथ खेल रहे हैं, जाल आई थी। देखो इन दोनों लड़कियों को, कदो दीदी के कदो कदो प्यार कदो दीदी को। अरे वाह भाई, मेरे बेटे ने भी करा भाई। यार गाइस, बेटियां कितनी प्यारी होती है ना, बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। पर यही है कि पता नहीं किसने रीत बनाई है कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है अपना घर। अले टेडी बेयर पे लेट गया भाई, छोना छोटे से पैर छोटे से हाथ छोटा से मुंह। अरे उठने की कोशिश करें, जाल उठना था, देखो देखते हैं कि उठ पाएगी कि नहीं। खड़े नहीं हो पाएगी, पलट जाएगी। तो क्या करते हो कुकु? जल कुछ खाओगे? चार्जर के पास आ रही है। तो गाइस हमारे घर लीची आई है, मतलब लीची पार्टी हो रही है। मम्मी पापा लेकर आए थे तो हम लोग खाने बैठे हैं अभी, मैंने कल से खाई नहीं थी। कुकु को दे रहे हैं पर वो खा नहीं रही, पता नहीं क्यों। शायद मैंने इसे दूध पिलाया इसलिए नहीं खा रही होगी। चनी बेटी ला दे बेटी, क्या हो रहा भाई? शांति से नहीं रहना, नहीं रहना शांति से। दीदी मान लिया आपको? ना मान लो दीदी, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ अभी, बहुत ही प्यारा सा हूँ अभी तो मैं। मना कर रही हो तुम मेरी? ये ना अपने आप को फोन में देख के ना खुश होती है कि मुझे कोई तो दिख रहा है जो मेरे जैसे बहुत ही प्यारा है। ओए पेट पे सर मारा। शोनी बेटी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइज। हम लोग चेतना के घर पे आए हैं, जैन वो बैठा है बनियान में, देखा आज तो भाई जियान कुक की बड़ी वो करता है, सारे खिलौने उठा के ले आएगा अपने। अरे उधर नहीं बेटा कोई भी, इधर आजा, मतलब इधर देख कैसे भाई ताऊ जी आने वाले हैं अब तो। अरे इतने सारे ये तो फेंकने वाला है।
और ला रहा है ओ भाई पूरी टोकरी ले आया कुकू के लिए। अरे जैन बेटा मम्मी का काम बढ़ा दिया। पूरा बोल रही है अक्का अक्का कुकु अक्का नहीं हूँ नहीं ताई जी ताई जी पहले पापा जी बोलेगी देखना है। मम्मा बोल दिया वैसे इसने पापा आसान होता है जैसे है। हाँ दादा बोला था जी हमने मम्मा पराग भैया बता रहे थे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मम्मा कुकु अक्का पापा मम्मा कुछ तो बोल बेटे बंदूक चाहिए। और जियान कितना अच्छा लगता होगा बोलता हुआ दद्दो कुकु कुकु मम्मा। जियान ने मुझे फर्स्ट टाइम मम्मा ही बोला था वैसे। जियान ने मुझे देख के ये क्या करा था जी ने है ये आजकल के बच्चे नहीं वो हमारे टाइम के बच्चे नहीं है ये आज के जमाने के बच्चे है। कुकु मम्मा ये अक्का ही बोलेगी बेटे फूक मारना नहीं आता वही जा रही है नहीं लेगी कुकु दीदी से मिलके कैसे लगा भाई हमारे तीनों बच्चे यहीं आ गए भाई बच्चे तो हम भी हैं पर बड़े वाले कुकी बोली बेटा अक्का अक्का बोला अक्का पापा मम्मा ताई जी भैया कुछ तो बोल दे अक्का पता नहीं किसने सिखाया इसको अक्का हाँ ये तो है तो गाइस एक और बैड न्यूज आई है आशीष का प्लास्टर जो है वो कल हट रहा है और उनको MH में एडमिट कर दिया था तो कल वो हटेगा MRI होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है अच्छी बात है पर
गला ठीक नहीं रहा तो फिर से प्लास्टर होगा, उन्होंने और दिन आगे बढ़ाए जाए, मतलब हो सकता है बढ़ जाए कि उनको और एडमिट रहना पड़े। और अभी तो वो अंदर स्टेशन में एडमिट थे, लेकिन अब MH में है तो हम उनसे मिलने भी नहीं जा सकते हैं, तो पता नहीं यारी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी, कब वो ठीक होकर घर वापस आएंगे। आपको नहीं पता है, मम्मी पापा भी आ गए हैं उनके यहाँ पर, लेकिन जब तक वो ठीक होकर नहीं आएंगे ना मेरा मन नहीं लगेगा। मतलब मैं बहुत अंदर से ना ऐसी हो रखी हूँ कि बस वो जल्दी घर आ जाए, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ना काम में, ना कुछ और करने में, किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा। खैर बस आज का दिन भी ख़त्म हो गया, और आज तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। मॉर्निंग में मम्मी पापा गए भी थे, लेकिन मैंने खुद ही मना कर लिया था कि मैं शाम को जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो उनको MH में ले जाएंगे। अगर पता होता तो मैं उनको लेकर, मतलब उनको मिलने चली जाती, खुद को मिला लेती। यही है मेरे पास है। हाय कर दिया उसको। तो गाइस अभी इस ब्लॉग में ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि गाइस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब सोने का भी टाइम हो गया, आपको सुनाती हूँ। कब मिलेंगे आपको एक और ब्लॉग के साथ। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएँ, या फिर मेरा मूड ठीक रहे, मैं ब्लॉगिंग पे ध्यान दे पाऊँ, लेकिन उतना ही सब कुछ कंडीशन ना ख़राब होती जा रही है, ख़राब ख़राब ख़राब, बहुत ख़राब होती जा रही है। सोचने की नहीं सोचती हूँ कि ये सब ना सोचूँ, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी ना वो दिमाग में घूमता रहता है कि यार ये हुआ है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ, मतलब फोकस नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ पे ना। खैर लाइफ ऐसे जीना पड़ेगा, तो कल मिलते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान।